हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज़ का पार्ट 13 है। हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th का कर रहे हैं और आज हम इसमें सीखेंगे एक नया टॉपिक जो कि है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मीन्स थ्री, तो ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म वाला, नोमियल मतलब टर्म, तो तीन टर्म वाला। तो देखिए, अगर तीन टर्म दे रखी हों और हमें उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो चलिए क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक्सपैंड करना है हमें, फॉर एग्जांपल 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम जो नोटिस करेंगे कि इसमें तीन टर्म आ रहे हैं और ऊपर से उसका स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो इसे लगाएंगे कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले टर्म को एक्स सपोज कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 2a, तो हमने 2a को x सपोज कर लिया। उसके बाद सेकेंड टर्म को हम क्या सपोज कर लेंगे? y। सिमिलरली 4c जो है इसका थर्ड टर्म है उसको क्या सपोज कर लेंगे? z। अब हम अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसे लगाएंगे कैसे? बहुत इजी है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है तो बस अब हमें पुट करना है। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? जो हमारा एक्स है, हमारा एक्स क्या है? 2a, तो 2a का स्क्वायर। वाई इज 3b, तो वाई की जगह क्या रख दिया? 3b। जेड इज 4c, जेड इज 4c, तो हमने 4c रख दिया। ध्यान क्या रखना है कि जब स्क्वायर चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना है कि ये होल स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही स्क्वायर चला दिया तो सिर्फ 2a स्क्वायर लिख दिया। ध्यान रहे रखिए कि 2a स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर में दोनों में डिफरेंस है, ये सेम नहीं होते हैं, क्योंकि 2a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए, पर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर मतलब a इंटू ए। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने z रख दिया, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का x इज़ वॉट 2a वो रख दिया, y इज़ वॉट 3b रख दिया, प्लस 2 फॉर्मूले का y इज़ 3b z इज़ 4c, फिर से 2 फॉर्मूले का z इज़ 4c एंड x इज़ 2a। अब बस इसे सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन। तो 2a को स्क्वायर को खोलेंगे, तो मैंने अभी अभी समझाया कि 2a का होल स्क्वायर का मतलब है 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड a का स्क्वायर इज a स्क्वायर। फिर 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। सिमिलरली 4c में 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16, और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर। फिर अब तो इसे बस सॉल्व करना है, मेरी तो मल्टीप्लाई है सिंपल, तो नंबर नंबर हम सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ए बी का मल्टीप्लाई करके रख देंगे, ए बी ए इंटू बी इज ए बी, प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और बी सी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ए सी को हम लिख देंगे। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। जहाँ जब हमें तीन टर्म का स्क्वायर निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।